गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये वाला व्लॉग भी भाई अपना 14 प्रो मैक्स से ही बन रहा है। क्लैरिटी में तुमने कमेंट करके फर्क नहीं बताया है ना, बिल्कुल नहीं बताया जा रहा तुम तो फर्क पर। चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा भाई आज सेक्सी इतना रेडी होके ना छोरी देखने नहीं जा रहा मैं जा रहा हूँ भाई कटारे के पास। अब देखो ये मैं इतने हॉर्न मार चुका है, इसका कायदे से इसको हट जाना चाहिए, बट हटेगा नहीं है। मत हट मत हट, इनके बाप का इतरोड है, हम तो ये ऐसे डोल रहे पिल्ले डोल रहे जो एक कुत्ते बिल्ली ना डोले कर रहे भाई मैं जा रहा हूँ कटारे को पिक करने, फिर उसके बाद जा रहे हैं हम लोग दिल्ली, क्योंकि हम एक छोटा सा पर्सनल काम है जिससे हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा कि हम कैसे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नई नई चीज़ें हम आजमा रहे हैं। आने वाले टाइम पे सब चीज़ों का पिटारा सा खोल दूंगा। तुम कहोगे एलिस भाई तुम करते हो तो सही चीज़ रहते हो, तो एक बार कटारे को पिक कर लो फिर आगे की कार्रवाई बैठाते हैं। मैं कह रहा हूँ जो सामने ईको दिख रही होंडा सिटी का आगे ईको है, इसमें बालक बैठे छोटे छोटे स्कूल के। ये देखो मुझे लगा कि अभी कैमरा ऑन करके ये सारे खुश हो जाएंगे, हवाबाजी कर दूंगा, पर इनमें तो एक भी बालक ना जाना है मुझे कोई ना, हमारा दिन भी आएगा बेटा जानोगे तुम। कटारिया ऑलवेज लेट आ चुके हैं, पर कटारिया से पीछे वाली गाड़ी भाई ने इन पे इतना पैसा, अपनी फोन तो मैचिंग कलर की गाड़ी ले रखी है। देखो आइए आगा क्या, अच्छा ओ सॉरी आई डिडंट सी यू मैन, आई डिडंट सी यू, कम ऑन मैन, कम ऑन, व्हाट्स अप, लेट्स गो टू अर्न सो मच मनी विद चेरी। शेयर मार्केट के मनी कमाने जा रहे हैं, मेरे फोन की वो खराब हो गई क्या, ब्राइटनेस अच्छा, शीशा गंदा हो रहा मगर रेडी है भाई। तुम अभी आने से बताना, नहीं पागल है, बहुत देर से खड़ा हो, कितनी देर होगी, कम से कम आधा घंटा। अजी हाँ एक मिनट भी ना हो यार, नु करो मैं पहुंच गया हूँ, तू लेट करे हमेशा भाई, देख ले बेशक भगवान देख रहा भाई ऊपर। भाई एक खुशखबरी आई है कि अपना जो गाना था बैड गाय उस पे 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, वू बैड बेटी, ठीक है। और दूसरी चीज अभी मेरे से पूछ रहा, नु कह रहा भाई ब्याह में कौन सी गाड़ी लोगे तुम, मैं इससे कह रहा मैं कौन सी तुम दे दो जस्ट किडिंग मैंने इससे कही मैं कहा भाई रेंज रोवर लेंगे हम तो ठोक बजा के, नु कह रहा कि भाई वे तो तुम्हारे लड़की वाले तो वे देंगे स्कॉर्पियो और वो भी लो मॉडल देंगे, नु कहेंगे कि जब मॉडिफाई करवा ले तेरे व्लॉग निकल जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, जो आपने S10 दे दी S10 स्कॉर्पियो, नु कहा स्कॉर्पियो भी पुरानी दे दी BS4 इंजन नई वाली स्कॉर्पियो एन भी ना दे रहे। मैं कहा भाई कटारिया भाई जो पूछ रहे हैं बेटा कौन सी कलर की कटवाऊं भाई, मैं भाई देखो मैं तो इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा अच्छा तो क्या कह रहा, कलर लूंगा मैं, लाल लूंगा मैं, इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। कलर वलर क्या पूछना, पता तो सफेद कलर की गाड़ी पसंद है मुझे भाई, जो दहेज लेगा मतलब भाई दहेज क्या होता है तो गिफ्ट होता है ना लड़की वालों के साइड से गिफ्ट, जस्ट किडिंग भाई। देखो मैं तुम्हें अब मजाक सट के बताता हूँ, देखो क्या तो एक गाड़ी नहीं दो गाड़ी लूंगा, नहीं पागल है क्या यार, तो साढ़े कति गिरी और सोच रखता है, देखो क्या तो रेंज रोवर स्पोर्ट या फिर रेंज रोवर वेलार या घना दिल खोल रखा उनने तो अपने GLS ले लेंगे मर्सिडीज की चलो सारी चीजें एक साइड करते हैं भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या तो मस्टैंग अरे चला ज्यादा मजाक हो गया, ट्रक ले लेंगे, अरे ट्रक से याद आया साढ़े वीडियो के लिए ट्रक चाहिए, ट्रक का जुगाड़ कर भाई छोरे, ट्रक करवा देगा भाई, इको कितनी दोहरे का निकट गई सिटी उसके, इको वाले पागल रहे सारे ड्राइवर, एक बार मेरी जो ब्रेजर ठोकी थी ना अभी इको वाले ने ठोकी, ओ इको वाले मारे फिर किसी ने अभी भाई, एक इको वाला पीट दिया, इको वाले एक छितने के दिन आ गए यो जा रहा आ गए इको वाला, इसके छितने के दिन आ गए भाई, बच लियो कहां तक बचेगा, तेरे पीछे पीछे ही है यार तुम्हारे दहेज देंगे वो, यहां पैटीज मिला कैडी, हाँ मिला फैटिश लेफ्ट साइड, अच्छा हमने भी खाई थी उस दिन साढ़े निराबस चूरा चूरा था ऊपर ऊपर की खाल भाई, यू आके जो गाड़ी जा रही ना पहले मुझे लगा कौन सी गाड़ी आ गई हो बाहर की, पर यो है Q7 नई वाली Q7 है, देखो भाई क्या सही लुक बना रखी है, ऑडी की कितने की आई रहे हो भाई, नहीं पता एक खोखा पार मिलेगी भाई, नंबर भी तगड़ा है इसका तो जो भी है, हाँ एक खोखा पार ही है वो, पर तगड़ी लग रही है भाई लुक बहुत बढ़िया ऑडी। अपनी लोकेशन पे आ गए यार, बाल खराब हो रहे हैं आज, वो है बैड हेयर डे, अपनी लोकेशन पे आ लिए और ईब अब हमारी मीटिंग शुरू होने वाली थोड़ी देर में, फिर जाएंगे कहाँ जाएंगे रे हम, बम पटाके खरीदन गोदाम में, गोदाम तो लेने जाएंगे, मैं कहा भाई हमारे एक वहाँ पे उससे लेने जा रहे हैं, जिसने बम बम चाहिए वो बता देंगे कहाँ कौन सी क्या मिला, मेरे यार रोड पे क्या होगा वो सिस्टम होगा सूझगा ना, फिर किसने साड़े थोपड़े में नजर मारे, पर कोई बात नहीं क्रीम लगा के ठीक कर दें भाई। एक हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, हमारी गाड़ी का नंबर ये, और हमारे साथ में एक कबाड़ा स्कूटर खड़ा है जो कि कबाड़ा नहीं है, अगर इसका नंबर मिल जाए तो, ये देखो कितना पुराना स्कूटर होगा, कटार कितना पुराना होगा तेरे हिसाब से भाई, कम से कम नहीं तो ये 20 साल जा 20 साल पागल है क्या, साढ़े ज्यादा साल पुराना है, DHT 6834 इसका चेक करते हैं डाल के कि अभी बच रहा जिंदा है या फिर नहीं, अगर जिंदा है तो इसको खरीद लेंगे। हाँ भाई क्या सिस्टम कर रहा है तू यहाँ पे, सो गाइस हमारे साथ मौजूद है एक सेंट्रो, आगे सेंट्रो दिखा दे भाई भाई मैंने इसके डिपर मारा, नु करो ऊपर तो जाएगा क्या, मैं कह रहा ऊपर तो जाएंगे तो यो इसने फिर हमारी गाड़ी पीछे ले ली, ये इसने फिर डिपर मारे, मैं इसके पीछे आ गया, तो देखो ये देखा
भगड़े की ना अंकल यार, अंकल भग रहा हम चाहता हूँ कोई बात ना, अंकल हमारा दोस्त है। हाँ वैसे यार करते रहना चाहिए सब चीजें ताकि जीवन में वो बनी रहे, खुशहाली खुशहाली बनी रहे। यार भग रहा यार अंकल, इसे लग रहा बहुत आगे निकल जाएगा जिंदगी में, सेंट्रो से तो निकल जाएगा, देखो ये ऊपर से चढ़ा चढ़ा के। हेलो अंकल, चलें भाई हमारे उसमें बड़ा कोती शाड़ में भिड़न हो रहा है वो। ले तो फिर आगे निकल गया तो इसकी गैल है ना, इसकी गैल लग ली है सब, इसे नू लगा एक फॉर्च्यूनर वाले गैल लग ली है मेरे। हम आ भाई मजा ही आएगा इसका, इसके गाइस इसके घर चलते हैं, चाय वाय पी खाएंगे, आओ भाभी राम राम कर खाएंगे, भाभी राम राम होली भाभी घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। ना भाई इतना तंग नहीं करना चाहिए किसी को ले। साला देख भी ना रहा मेरी साइड जब मैं साइड में आऊं, ये तंग होकर हमारी गाड़ी में टक्कर तो ना मार देगा ना, मारे है भाई जाम में तंग होने लग रहे हैं तो कुछ तो चाहिए फनी। अरे ये बेचारा तंग हो रहा है, ओके मेरा कहां कौन सी जॉब था वे फिर दो मार दिए। नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, हमें कहां जाएगा, कहां जाएगा भाई, टंकुश हैगा राइट साइड में, कोई बात नहीं हम तो वहां जा रहे हैं बम पटाके लेने। यार ये तो जा रहा, मैं छोड़ के जा रहा लेफ्ट साइड, दामन के साइड जा रहा, जाओ मत चल जान भाई, मां कसम आज बेइज्जती हो जाती। हां भाई कर ली जीरो, चेक कर ली, भर दो तुम, मेन हाईवे पे जाम लग रहा, मिसिंग मारा लगी गाड़ी, तेल ना बरवार करता जो मैं। हाँ भाई कर ली, भाई कर ली मेरे भाई, चेक कर ली यार, तुम पे भरोसा मुझे मेरे सगे भाई। तो भाई तेल भरवान बड़ी मुश्किल था, अपने जाम जूम में था किसी बड़े बुड़के अपने आगे सोले पेट्रोल पंप पे, मगा भाई भर दे फुल कर, पेट्रोल पंप चला, पेट्रोल पंप है नॉट इवन क्लोज टू फनी, ये सेम डायलॉग भी नॉट इवन क्लोज टू द न्यू डायलॉग, ये मैं कई सालों से मार रहा हूँ, जब कोई फनी नहीं लगता ना मेरे को इंग्लिश में कूल बनने के लिए मैं बोलता हूँ नॉट इवन क्लोज टू फनी ब्रो, तो सबको लगता है कि बहुत कोठी बंगले वाला माने इंग्लिश में बात कर रहा। तो भाई अपना चल रहा है इस तरह पे आते हैं तेल में का, तो पी ले बस, रुक मत जाइयो भाई प्लीज, मैं कह रहा हूँ इसमें भरने लगी, भरने लगी, भरने लगी भाई, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस भरने लगी, आज बिना रुपये दिए भग जाए नहीं 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 शाबाश, मैं तो चेक कर रहा था तेरे अंदर चोरपना कितना पूरा, तेरा सारा सिस्टम फाड़ देंगे भाई। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्टार नाइट फायरवर्क्स में, लोकेशन है अपनी गाडोली, सारे बम पटाके कटारिया ने लोड कर दिए हैं, क्या क्या दरा अभी तक अभी तो देखा नहीं है मैंने, पर बढ़िया ही करा होगा। और मेरे साथ हमारे जो भाई हैं यहाँ पे जो यहाँ के ओनर है स्टार नाइट फायरवर्क्स के, ये कुछ बोलना चाहते हैं बम पटाखों से रिलेटेड। नमस्कार, मैं बड़ा सौभाग्य हूँ अपने आप में कि आज एल्विस भाई हमारे स्टोर में आए, मेरे जीवन का एक सपना था कई सालों से कि अगर ब्लॉग कराना है तो एल्विस भाई से कराना, क्योंकि एल्विस भाई की जो वीडियो होती है ना उसकी एक ऑथेंटिकेशन होता है, उसमें सच्चाई होती है, उफरापंती नहीं होती। तो एल्विस भाई मैं आपके माध्यम से एक लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सीज़न का समय है, इस समय लोग हमें बार बार फ़ोन करके ये ना पूछें कि आपका स्टोर कहाँ पर है, हमारा स्टोर जानने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे लिखेगा आप स्टार नाइट फायरवर्क्स गाडोली या सेक्टर 37D, हमारा स्टोर सुबह 5 बजे खुल जाता है, रात को 10 बजे खुलता है। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं, पूरी वैरायटी का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे स्टोर पे सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आइएगा, हम दिवाली तक आपको सेवा देने के लिए तत्पर हैं। जो भी एल्विस भाई की वीडियो देख के यहाँ आएगा उसको विशेष डिस्काउंट मिलेगा, मैं ये कमिटमेंट स्वयं कर रहा हूँ, मैं किसी अपने वर्कर से नहीं करा रहा हूँ, मेरी बात की जो ऑथेंटिकेशन होगी वो आप समझ सकते हैं। बेसिक अपनी बात ये है कि जैसे आप लोग नॉर्मल दुकान से बम पटाके लेते होगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे उससे ज़्यादा सस्ते मिलेंगे, प्लस अगर मेरा नाम लेगा तुम यहाँ पाए, मेरी ऑडियंस जो भी आ रही है यहाँ पे उसे अलग से डिस्काउंट मिलेगा। और मैं उन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई बम पटाखा छुटा के पोल्यूशन कर रहे हो, भाई ने मेरे को एक चीज बताई थी पोल्यूशन वाली, भाई बार वो भी क्लियर कर दो। मैं बता देता हूँ, अभी हाल ही में आज जो तारीख है 12 तारीख है, 10 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया है, जिन पटाखा व्यापारियों के पास ग्रीन पटाखे हैं यानी कि जो सरकारी मापदंड के अनुसार हैं उन्हें आप बेच सकते हैं, उनमें कोई आपत्ति नहीं है, और हमारे स्टोर में सारे ग्रीन पटाखे हैं, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। तो इसलिए हम कोई पोल्यूशन
के भागीदार नहीं बन रहे, ये जो ग्रीन पटाखे हैं ये पोल्यूशन रहित है, आप पटाखे चलाइए, एल्विस भाई के नाम का विशेष डिस्काउंट लीजिए। मैं आपको ये दोबारा संकल्प देता हूँ कि आप आइए और एल्विस भाई के नाम का फायदा उठाइए। बिल्कुल, मैं उनसे प्रभावित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि भाई तुम पोल्यूशन फैला रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं। भाई ने सारी चीजें क्लियर कर दी है कि ग्रीन पटाखे हैं, बैन नहीं है, इनको बेच भी सकते हैं, इनको छुटा भी सकते हैं। और हर बारी जब भी दिवाली होती है तो भाई बहुत सारे लोग उठ के आ जाते हैं कि भाई पोल्यूशन कर रहे हैं, ये नाक में दम हो रहा है लोगों के, इतना एयर पोल्यूशन फैल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, अभी दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ सारे प्रकार के बम बम है अपने, डेंजर गाड़ी गुड़ी भी अपनी लेके जावा हम हर बार बम दिखाता हूँ। वो कहाँ है बड़े वाले, बड़ा वाला सिस्टम कहाँ है, बड़े वाले सिस्टम उधर उतार उतर भाई इधर। ये तो रॉकेट, ये तो अनार होएंगे नहीं, स्काई शॉट है भाई, ये स्काई शॉट हो गए। ये सरकार द्वारा एक ऐसा चिन्ह है जिसको हम कहते हैं होलोग्राम है, मतलब जिस पे ये है वो लीगल है, बेसिकली वो लीगल है। सरकार ने प्राप्त किया, सरकार ने अपना कोड लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट का विद प्रूफ, ये पोल्यूशन नहीं करेगा। इसमें मोहर लगी हुई है, जो भी हमारी पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसने इसको स्वीकृति दे रखी है कि ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा हमारे स्टोर के अंदर जितनी भी आइटमें डिस्प्ले में है, आप कहीं भी अपना कैमरा घुमाइए, आपको ग्रीन लोगों के साथ माल मिलेगा, क्योंकि ये भाई सारे जितने पटाखे हैं अपने इन पे ग्रीन फायरवर्क्स का, इसका मतलब ये है कि ऑल गुड पटाखे हैं। और भाई सबसे बड़ा पटाखा कौन सा अपने ये तो बता दो। हमारे यहाँ पर ये 240 शॉट है, मल्टी शॉट है। 240 शॉट वाला कहाँ है, इसी का ही तो बेचता मैं, कहाँ है पर आएंगे। अभी तो तूने गाड़ी ना देखी लगे ले, गाड़ी तो ना देखी मैंने कि 240 वाला कहाँ है, ये वो रहना 240 वाला भाई, ये है सबसे मेन चीज। बहुत ही अच्छी कंपनी का है। अब आप थोड़ा अलीज भाई थोड़ा सा विलम्ब हो गए, वरना हमारे पास बहुत वैरायटी होती है। जितने भी कॉक ब्रांड शॉट बनाती है, सोनी बनाती है, सभी अवेलेबल होते हैं। कल सुबह मतलब आज रात को वो फुलफिल किए जाएंगे। पूरा स्टोर जो आप जिस कंडीशन में दिखा रहे हैं, स्टोर इस कंडीशन में नहीं होता, स्टोर फुल फ्लेश होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। अब आप रात को 9 बजे आए हैं, आपको भी जरूरी काम था। बिल्कुल कल जो भी कस्टमर आएगा सुबह, वो पूरी वैरायटी के साथ होता है भाई। सारे टाइप के पटाखे पटाखों को जोड़ से लेना लेना, मैं समझ लो तुम्हारे भाई की है। हैं एक नंबर। हाँ जी एक नंबर, खोल दी गाड़ी कर दे मैं। गाड़ी का व्यू देख लो भाई, जो जो अरे यो क्या कर दिया गाड़ी के, तो पीछे तक बदली लो भाई। अरे यो इसमें देख लो कटारे का काम है, कटारे ले लिए छिक के बम इस बारी भाई। यो अपना पूरा नंबर नंबर बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर तो नंबर ना लिख रखा। इधर का बोर्ड दिखाई, इसका बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि उधर से लोग आते हैं ना, ये वाला बोर्ड है ना। अच्छा ये बोर्ड है भाई अपना, लो जी ये वाला, ये वाला लो जी। एक तरीके से मीटअप हो गया मेरा यहाँ पे, लो जी भाई इसमें ले लेना अपना स्पीच, ठीक है बहुत बढ़िया स्वागत A1। अरे भाई आओ भाई, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद 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 बड़े में चढ़े। यस मैन, अब स्वागत होने वाला भाई अपना, पेटी बूटी चलने वाली भाई, करा करा बढ़िया सी मोड़ दो गाड़ी, अब यहाँ तक स्काई शॉट चलवाऊंगा मैं, का सही है। ले आओ भाई ये चल पड़े अपने स्काई शॉट। ओके भाई धन्यवाद, ओके जी। भाई ले तो 1 2 3 ले तो फिर। हाँ जी भाई, परफेक्शन कितनी तगड़ी होती है हमारे पटाखों की भाई, एक नंबर, बहुत मजा आ गया। लो जी सिस्टम सेट, देख रहे हो तुम, बम की दुकान खोल ली हमने, इतने बम लेके आ गए भाई यार के दो रहते, ये देख लो तू, मत छुट जाइयो बम की गैल भाई, मौज आ रही है। पटाखों के ऊपर सोऊंगा भाई, हमारे पटाखे शुरू हो जाते हैं भाई यहाँ से जो हम लेके आए हैं आज। ये देखो तुम, ये तो अभी निकाले हमने, ये है सबसे मेन चीज, ये यही लेके आना, तुम भी जाओ तो ए ले आओ। तो फिर एक अपना स्टॉल खोल ले दुकान के बाहर बैठ के, जो खाट कूट पे ले आओ भाई, और आगे परली साइड भी है, परली साइड नीचे भी है, ये रहा भरा पड़ा भाई। वाह ऑल गुड, वेरी सारे। रुपये कितने हो गए इनके भाई? इनके हो गए 2.5 लाख। हैं भाई कोई बात ना, हम सबके मिला के ही नहीं है कि इस के मेरे भी हैं, इसके भी हैं, और भैया के भी हैं, और भाई के सबके मिला के लाए हैं हमने, कि एक के हैं ढाई पेटी भाई। इनके अपने घर आ चुके हैं अपने बम पटाखे लेके। और एक और चीज़ सुन लो, जितने भी अभी बहुत सारे लोग लेफ्टिस्ट उठकाएंगे कि बम मत छुटाओ, ये मत छुटाओ, भाई तुम्हारा जी करता हो ना छुटाओ, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे त्यौहार है, हिंदू फेस्टिवल्स है, बहुत लोग टारगेट करेंगे, तुम्हारा दिल करता हो ना खूब जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को नहीं कर रहा तुम जलाओ जलाओ जलाओ, अगर तुम्हारा मन करता हो जलाओ, किसी के दबाव में बताना कि भाई ये होगा वो होगा, भाई हमारा फेस्टिवल है, हम धूम धड़ाके से मनाते हैं,
ठीक है, तो अपने छिक्के खुल के मनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो भी मेरा भाई गुड़गांव दिल्ली से जिसने बम चाहिए सस्ते रेटों पे, मतलब जो ना गोदाम तलाए करा भाई, बम गोदाम तलाया जिसने चाहिए गाडोली में, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, अपने भाई यार कही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाके वहाँ पे मेरा नाम ले दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट विस्काउंट मिल जाएगा तगड़ा, जो मतलब नॉर्मल दुकान होती है उससे सस्ता मिलता है वहाँ पे, गोदाम में से इकट्ठे उठा उठा के लाते ना लोग, तो अपने वहाँ ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुड़गांव का गोदाम मेरे हिसाब से गाडोली साइड ही है, गाडोली में स्टार नाइट फायरवर्क्स के नाम से, तो अपना बढ़े जाना, कोई दिक्कत ना है। और ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।